अस्सलाम दोस्तों, कैसे आप सभी? तो ठीक होंगे और खैर से होंगे। तो दोस्तों, शाम का वक्त है और मैंने अपने सारे के सारे परिंदों का दाना पानी कर दिया। हमारे परिंदे दाना पानी खा चुके हैं काफ़ी आधे से ज़्यादा, और कुछ परिंदे दाना पानी खा के आराम से अपने जगह पर जाके बैठ गए हैं और कुछ अभी भी खा रहे हैं। और हमारे चूज़ों का दाना पानी कर दिया और हमने अपने मुर्गियों का दाना पानी भी कर दिया। बाकी सारे के सारे परिंदों का दाना पानी हो चुका है और इस वक्त ये अपने खाना खा के आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ बतानी है कि हम काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि ना हमारे काफ़ी टाइम पहले हमारे ना एक तोते ने इधर अंडा दिया था, जो मैंने उठा के इधर रख दिया था, और एक और किसी परिंदे ने अंडा दिया था इधर ही, तो वो भी हमने इधर ही रख दिया था। लेकिन एक अंडा मुझसे टूट गया था, आपको याद होगा, बाकी एक अंडा रहेगा था। लेकिन हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि हमारी जो छोटी डब है एक, वो बार बार इधर आके बैठे और अंडे को और बैठे। हम परेशान हो गए, यार ये डब इतनी पागल कैसे हो सकती है कि एक ख़राब अंडे के ऊपर इतनी अच्छे से बैठी हुई है। वो पागल नहीं थी, बल्कि वो अपना अंडा देना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, ये देखें, इसलिए अपना माशाल्लाह से अंडा दे दिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना साफ तरह से इसका अंडा साफ साफ चल रहा है कि ये नया अंडा ये पुराना अंडा, आप देख सकते हैं। तो हमारी तो डब ने अंडा दे दिया, बस अब इंतज़ार है तुम्हारे कॉकटेल का है, क्योंकि इनका सीज़न शायद सर्दियों में ही होता है। तो सर्दियों में ये अपने अंडे देंगे और इनका हम मटकियाँ भी लगा देंगे इंशाल्लाह। इनके भी हम ब्रीड देखने को हमें मिलेगी पहली बारी, तो इंशाल्लाह हमें अपने परिंदों की ब्रीड देखने को मिलेगी। हमारे मुर्गा मुर्गी, आप देख सकते हैं हमारा चूज़ा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह, इन सबका भी दाना पानी हो चुका है, मैं सबको परिंदों को दाना पानी डाल दिया। लेकिन हमारा जो चूज़ा है ना, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा हो रहा है। अभी इसकी पहले ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन अब इसकी ग्रोथ वापस बड़ी होती जा रही है। और हमारी मुर्गी, ये हमारी मुर्गी है माशाल्लाह से, हमारी मुर्गी दूसरे से तीसरा दिन है कि ये, बल्कि दूसरा दिन है इसने लगातार अंडा दिया। आज अंडा नहीं दिया, कल पिछले दो दिन से ये अंडा दे रही है, लेकिन आज इसने अपना नागा कर दिया, इसने अंडा नहीं दिया। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो देसी मुर्गी हम लाए थे ब्लैक कलर वाली, पहले उसने आते ही अपने ना अगले दिन अंडा दिया, जो अंडा इससे टूट गया था या फिर पिंजरे में टूट गया था। लेकिन काफ़ी दिन इसने अंडे नहीं दिए, अब इसने फिर से अंडे देना शुरू कर दिया। और दूसरा दिन है इसका, आज भी इसने अंडा दिया हमारी देसी मुर्गी ने, कल भी इसने हमारी देसी मुर्गी ने अंडा दिया। और अभी तक हमारे पास आया हुआ इसको तकरीबन हो चुके होंगे 10 दिन होने वाले होंगे, और इसने अभी तक 3 अंडे दे दिए। और आज और कल से ये 2 दिन हो गए रेगुलर अंडे दे रही है, और हो सकता है आगे भी ऐसे रेगुलर अंडे देती रहे। हमारे जो तोते वगैरह हैं सारे के सारे तोते अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी सबकी ब्रीडिंग रुकी हुई है। इंशाल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इंशाल्लाह गर्मी जैसे ही कम, और हम अपने परिंदों के मटकियाँ लगा देंगे वापस इनके पिंजरे में, और ये हमारे परिंदे वापस अपने ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। और हमारे जो डव का बच्चा आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है, उसका कलर अभी भी ग्रे ही है, पता नहीं ये चेंज आगे बढ़ के थोड़ा चेंज करता है या फिर कब चेंज करता है। अभी भी इसका कलर ग्रे ही है, लेकिन माशाल्लाह इसका कलर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और ये बच्चा काफ़ी हद तक बड़ा हो चुका है। अभी ये सेल्फ हो जाएगा, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, अभी भी हम चाहें तो ये सेल्फ है, लेकिन इसको अभी हम अभी माँ बाप के साथ रहने देते हैं, फिर हम इधर से इनको हटा देंगे। इनको हटा के हम इधर से अपना एक कबूतरों का पेयर में इधर शिफ्ट कर दूँगे, ताकि हमें कोई कबूतरों का बच्चे भी देखने को मिले, क्योंकि उधर बच्चे नहीं कर रहे हमारे परिंदे, पता नहीं क्या हो गया उधर, कोई अंडे या बच्चे नहीं कर रहे। फिर मैं इनको वापस इधर ला कर शिफ्ट कर दूँगा। कॉकटेल को देखिए क्या हरकतें कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी वो भी कर रहा था, दूसरे मेल फीमेल भी कर रही थी, अब मेल भी कर रहा है। ये मेल हुई फीमेल, हाँ जी ये मेल है, ये शायद ये फीमेल है। तो अभी भी देखिए कैसे हरकतें कर रहे हैं, पार खोल रहे हैं ये माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा प्यारी प्यारी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दाना खा लिया। और मौसम इस वक्त थोड़ा सा दोपहर और सुबह के मामले में मुकाबले में कम होता है, तो इसलिए इधर ये काफ़ी खुश है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, हमारे डब ने इधर अंडा दे दिया, डब बेवकूफ नहीं थी, वो अपना घर बना रही थी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे चलकर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर देगा, और मेरे चैनल लाइव इस बर्डन सब्सक्राइब कर देगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।